साथियों, देश काल और वातावरण की विषम परिस्थितियों में हम लोग जूझ रहे हैं। आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं, हम असहाय हो रहे हैं। और हमने जिन लोगों को, जिन प्रतिनिधियों को अपनी वकालत के लिए, नुमाइंदगी के लिए भेजा था, और आज वो हमारे लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसी बीच आम जनता ने 2 तारीख को अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साथियों, अभी 2 तारीख को जो भी रहा, आप सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और मैं आप सब से इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगा कि हम सभी रेल कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया और सबने समर्थन किया। साथियों, अगर इस बीच कहीं कुछ हुआ है तो वो दूसरे लोग थे, हमारे लोग नहीं थे। आज ये देश चल रहा है तो सिर्फ हमारे लोगों से चल रहा है, और रेल चल रही है तो सिर्फ हमारे लोग रेल चला रहे हैं। हमारे जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, न केवल वो अपने पद की गरिमा रख रहे हैं, अपने कार्यालय की प्रतिष्ठा को भी बनाए हुए हैं। साथियों, हमें अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। अभी हम ये नहीं पहचान पा रहे कि हमारे बगल में जो बैठा हुआ है वो हमारा शुभचिंतक है या नहीं। थोड़ी नीचा। साथियों, दिल्ली में आज सब पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वैसे बोलने के तुल्य चूंकि उत्तर रेलवे के राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हैं, हमसे ज्ञान भी ज्यादा रखते हैं, तो मैं आप सबको बस यही कहूँगा कि हिंदूवादी रीति रिवाज को, आडंबरवादी व्यवस्था से दूर रहकर हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने महापुरुषों को पढ़ें, महापुरुषों को जानें, स्थिति परिस्थिति को पहचानें, तभी कुछ हो सकता है। आजकल, आज तक जितना भी हुआ है, जो कुछ भी दिया है, डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है, इससे पूर्व कितने भी देवी देवता रहे, किसी ने हमारा भला नहीं किया। साथियों, आज जो कुछ भी है, हम बाबा साहब की बदौलत है, और अब बाबा साहब के बताए हुए मार्ग के अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बोलने के लिए बहुत सब है, हम सब की सुनेंगे। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।